भूल ही गई है, कुछ जू में ही रहते हैं। आपके वो बाकी के जानवर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? मेरा आ गया, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे। कैलाश जी, मैं ना आपको एक बहुत ही खुफिया सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। तो इसके लिए कान तक आने की क्या जरूरत थी? तो दुकान से ही, मतलब मकान से ही बोल देते। लेकिन मैं आप लोग को एक और बात भी बता दूं, मैं ना गाना सिर्फ बाथरूम में गाती हूँ। हाँ, मतलब मैं एक बार बाथरूम जाती हूँ ना तो कुछ और आए ना आए, लेकिन गाना जरूर आता है। डर बड़े वो तेरा, तू म्यूजिक देगे ना उसको सच साबित कर दिया कर। ये तो डिपेंड करता है ना सामने वाले पे, वो किस तरीके से लेता है। आदमी कीबोर्ड रख के क्या क्या कंपोजिशन करते हैं, ये देखो क्या कर रहा है। घर जाके क्या बताता है क्या म्यूजिक देके आया हूं। आप खाली ना इसे इमेजिन कीजिए कि ये मेरा बाथरूम है, और सिर्फ यही इमेजिन कीजिए और कुछ भी इमेजिन करने की इतना ही। जब भी पलक बाथरूम में जाके आती है ना, बाहर न्यूज में छपता है गरज के साथ चींटे पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप गलत बोल रहे हैं। इनकी जो सोसाइटी का चौकीदार है ना, वो सारे फ्लैट वालों से साइन कराता है कि पलक मैडम बाथरूम जा रही है, फ्लैट खाली कर दो आप। ओके, नो बाथरूम जोक्स। हाँ, ओके, तो ये आपका बाथरूम है, आप नहा रही हैं। खाली इमेजिन कीजिए बाथरूम में, हाँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ और गाना गा रही हूँ। शावर ए, शावर ऊपर से आ रहा है, कौन सा शावर नीचे की तरफ से आ रहा है। लेकिन हमारे बाथरूम में पाइप फटा है ना, तो हमारा यहीं से आता है। Oh my God, पानी भी चला गया। ओह, साबुन भी गिर गया। ओह, साबुन। बाथरूम तेरा इतना ना घूम, तो पूरा मोहल्ला आई है। साबुन टूटते टूटते। मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको गाना कैसा लगा? क्वालिटी गाने की? गाना तो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी एक निवेदन है आपसे। हाँ, कहिए ना। आप जब भी नहाए जी, उसके लिए आप सिर्फ बाथरूम का ही प्रयोग करें। मैं आपसे एक रिडिल पूछूं? रिडिल मुझे बताइए कि एक बार ना एक आदमी था, वो फिल्म देखने थिएटर में गया। वहां पे वो जैसे ही फिल्म देखने बैठा ना, जैसे ही फिल्म शुरू हुई वो सो गया। बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम था शोले। शोले। आज होली है ना, तो बुरा मानने वाला सवाल नहीं है। ये भाग पगला भाग चढ़ी हुई बाजी कुर्सी बोल के निकल गई। कैलाश जी, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हेलो सर, कपिल सर। हेलो कैलाश सर। कैलाश सर, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। वो तो दिख रहा है। सर, मैं आपके काफी गाने सुनता हूँ, उसमें से जो मेरा फेवरेट गाना है वो मैं अपने गर्लफ्रेंड को डेलीकेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, कोई और कर रहा है क्या आजकल? सर, फीमेल ओरिएंटेड लगता है थोड़ा गाना, जैसे कि तेरी दीवानी। अच्छा। तो मैं मेरे गर्लफ्रेंड को कैसे बोल पाऊंगा कि मैं तेरी दीवानी हूँ? नवजोत सर, बड़ी हैरानी की बात है। हाँ। इन्होंने कहा है, इन्होंने मेरे सारे गाने सुने हुए हैं और ये बड़े फैन हैं। हाँ। ठीक है, और अगर इन्होंने सब गाने सुने होते तो जिसमें तेरी दीवानी है उसी एल्बम में तेरा दीवाना भी मैं। देखा जी सिद्धू भाजी, तू बुद्ध हो सकता था, बुद्धू हो गया। और सुन ले, कुलचे भटूरे खाने बंद, देसी घी के पराठे मक्खन वाले खाने बंद, बंद। फिर देख गर्लफ्रेंड के साथ कैसे तार जिलेगी है। बुरा ना मानो, होली है। क्या करते हैं ब्रदर आप? सर, मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए कर रहे हैं? हाँ जी। चलो, अभी ये वाला गाना गाना, कभी आपने गाना होगा तो ठीक है। हाँ, गा के बताओ अभी क्या गाया उन्होंने। तेरा दीवाना, कंपोजिशन वही याद है सर।
ये कंपोजिशन क्या असर दिल में बस जाती ना जब, तो आप फिर कोई भी गाना इनको आप कोई भी कर दोगे ना ये वो भी इसी में गाएंगे। कि अगर आरती भी इनसे गवाएंगे तो अब ये उसी ट्यून में गाएंगे। एवरीथिंग आई डू तम्मा तम्मा लोगे तम्मा तम्मा लोगे। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी होली ब्रदर, थैंक यू। और पाजी जाते जाते कैलाश जी, हमें पता है आज होली है, सब लोग अपने अपने लेवल पे जाके कहीं ना कहीं होली मना रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपके जो मुरीद हैं लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, एक जाते जाते एक नाच गाना हो जाए थोड़ा सा, जाते जाते एक बावलापन हो जाए। जी जी जरूर। थोड़ा सा गाना शुरू होने भाग के आ जाते हो डांस करने, जाओ अंदर अभी, पता नहीं कहां से निकल आते हैं बरसाती मेंढक अंदर, जाओ जाओ अभी। बाय बाय। सो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर कैलाश खेर के लिए। थैंक यू सो मच कैलाश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद। आइए सर। त्योहारों का देश है, एक त्योहार खत्म नहीं होता दूसरा पहले से आ जाता है। और अगर कहीं गलती से वो त्योहार छुट्टी वाले दिन आ जाए यानी कि संडे वाले दिन, तो सरकारी कर्मचारी का मुंह ऐसे हो जाता है जैसे ब्लड देने गया था डॉक्टर ने 3 बोतलें इकट्ठी निकाल ली, चूसा हुआ मुंह हो जाता है बेचारे का, जान ही नहीं लगेगी। वो सरकारी कर्मचारी रहता ही नहीं, उसका मुंह ऐसा हो जाता है जैसे बाढ़ पीड़ित है, क्योंकि छुट्टी मर गई बेचारे की। विदेशों में हमारे जितने त्योहार नहीं होते लेकिन वो हर डे को हॉलीडे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? किस डे? चॉकलेट डे, प्रपोजल डे, मेकअप डे, ब्रेकअप डे, हग डे। अब बताओ हग डे भी मनाने वाला डे, ये तो एवरीडे का काम है। ये किस डे किस दिन होता है? ये दिन में नहीं होता भाई, ये रात में होता है। अरे कई लोग, हर आदमी का तरीका होता है अपना अपना त्यौहार मनाने का। जैसे ये हमारा गिटार वाला देश ये रंग लगा ना, खुद ही अपने मुंह पे लगा रहा है शीशा देख के। मैंने कहा भाई दूसरों को लगाते, कहता मैंने खर्चा किया मैं अपने मुंह पे लगाऊं, दूसरे को लगाऊं। स्पेन में पाजी एक जगह टमाटरों से होली खेली जाती है, टमाटो फेस्टिवल उसको बोलते हैं। एक दिन मेरे को बोल रहा था, मेरे कहता मेरे पाजी मेरे को स्पेन छोड़ा हो, मगर स्पेन जाकर क्या करेगा, टमाटर वाली होली खेलनी? कहता नहीं, नालियों में से सॉस इकट्ठा करूंगा। ये तो हरकतें हैं हमारे लोगों की। खैर आज होली है तो होली की बात करूंगा पाजी। होली वाले दिन ये जो जीजा लोग होते ना, ये बड़े खिले होते हैं, स्पेशली जाते ससुराल में जिनकी नई नई शादी थी ना, सालियों के साथ खेलने है ना, खुद का मुंह चाहे अनु कपूर जैसा भी ना हो लेकिन अपने आप को बच्चन साहब समझते हैं। अरे रंग बरसे रंग बरसे, ये सालियों को ढूंढ ढूंढ के रंग लगाते हैं। कुछ लोग तो ससुर का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, साली थोड़ी सी खूबसूरत हो उस पर ज्यादा रंग लगाते हैं, अंदर फ्रस्ट्रेशन होती भी घर पे जब ऑलरेडी रसगुल्ला था, हमें दही बड़ा क्यों टिका दिया बे। अलग अलग राज्यों में बाजी अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। जैसे बरसाना एक जगह है, वहां पे लठमार होली मनाई जाती है, आदमी ऐसे टोकरियां लेके बैठे रहे तो ऊपर से तपाक तपाक औरतें ठोकती हैं। वहां पे किसी महिला से किसी ने पूछा कि, कोई बुजुर्ग महिला थी, उनसे पूछा कि मैडम ये होली मनाने का क्या तरीका हुआ, होली तो हंसी खुशी का त्यौहार है। तो कहती हंसी खुशी का त्यौहार है, मैं हंसी खुशी कहां से हुई? बोलती जब हम मारते हैं लाठी लग जाती है तो हम हंसते हैं, नहीं लगती तो वो हंसते हैं। तो कहता लेकिन माता जी ये रंगों का त्यौहार हुआ, रंग कहां गया, रंग कहां, रंग तो आया नहीं, कह लिए लाठी तू खा के देख तेरे को पता चलेगा रंग कहां से आता है। और लड़कियों का भाई होली वाले दिन भी नहीं समझ आता चाहती क्या है, जानबूझ के सामने वाले को आइडिया देती, चाहे उसके मन में भी ना हो, एक्सक्यूज मी फेस पेन लगाना ओके, जानबूझ के छिप जाती है, जानबूझ के छिपती, और छिपती भी ऐसे की दिखती रहे मैं छिपी हुई हूं ओके, नहीं लगाना। जीजा के दोस्त आए तो नए नए सूट पहन के, जीजा ही नहीं लगाना, नहीं खुद ही जीजा के आसपास घूम रहे तो जीजा तो रंग लगाएगा ही। लेकिन बाजी कुछ लोग बड़े गंदे तरीके से होली खेलते, कुछ भी उठा के मार देते, किसी को उठा के मिट्टी फेंक दी, कीचड़ फेंक दिया, अंडे मार, ये बड़ी गलत बात है। एक आदमी मैंने देखा भाग रहा था, उसके पीछे पीछे एक आदमी अंडा लेके भाग रहा, ए रुक हैप्पी होली, बुरा ने मारा होली, वो डर रहा है अंडा नहीं मार रहा, मैं वेजिटेरियन हूं अंडा नहीं मार रहा, अरे अंडा नहीं मार रहा मैं वेजिटेरियन हूं, तो सामने वाला कहता तो पालक पनीर मारू तेरे, वेजिटेरियन है तो। अच्छा कुछ लोग फिल्म स्टार्स के इतने बड़े फैन होते हैं तो उनका दिल करता है कि हम फिल्म स्टार के साथ, जैसे बच्चन साहब के घर के बाहर
भीड़ लगी रहती होली मनाने वालों की, वो अलग बात है बच्चन साहब मिले ना मिले हैं, दूर से हाथ लाके निकल जाए। एक हमारे दुबे जी हैं पान वाले, वो प्रीति जंटा के बड़े फैन हैं, हर साल पहुंच जाते हैं। जैसे प्रीति जंटा उन्हीं का वेट करी, दुबे जी नहीं आए। और फिर जब प्रीति जंटा से मिलने देते ना सिक्योरिटी वाले, फ्रस्ट्रेशन में उनकी गाड़ी पे ठपाक लगा के दीवारों पे, और उनके पमेरियन कुत्ते घूम रहे हैं सफेद सफेद, उनको लाल पीला करके आ जाते हैं। प्रीति जनता तो नहीं मिली, कुत्ते को ऐसा रंगा याद रखेगी सारी उम्र। होली वाले दिन कभी आपने नोटिस किया होगा, बंदर कभी बाहर नहीं आते, वो अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे, हमारे जाने क्या जरूरत है, सारे सारे तो बंदर बन के घूम रहे हैं।